काबीना का जो इजलास है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में मुनक़िद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने के इख्तियार के हवाले से आज एक दफ़ा फिर जो है गुफ्तगू हुई है। और आज जिस तरह से आपको मालूम है जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी बाद में काबीना के बाद मुलाकात हुई, जिसमें हमने इत्तेहादियों को जो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एतमाद में लिया है। ज़रूरी अशिया की जो तकाबुल है वो किया गया है, उसमें एक तो हम तकाबुल करते हैं पिछले हफ्तों के साथ, और अब हमने साथ सिलसिला ये भी किया है कि जो रीजनल ममालिक हैं, रीजनल ममालिक से हमारी मुराद ये है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और अगले हफ्ते से शायद श्रीलंका भी इसमें शामिल हो जाएगा, इन ममालिक से तकाबुल करते हैं हम अपनी अशिया का। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। इस वक्त मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है, हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है, बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है, और अफगानिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे का है। जो पल्स ग्राम जो है वो 146 रुपये 77 पैसे का पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में ये 166 रुपये का है, और बांग्लादेश में 224 रुपये का है। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी, और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपये का है। और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज़्यादा है। कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। लोगों से ज़मीनें लेकर उनके ऊपर हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई। वफाकी काबीना ने आज एक बहुत अहम फैसले में वफाकी हुकूमत का जो इख्तियार था कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, वो उसको ख़त्म कर दिया है, और अब वफाकी हुकूमत लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पैकेज, इसके तहत दो दो प्लॉट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। 400 करोड़ रुपया जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी या स्वाबदीदी फ़ंड के नाम के ऊपर जो है वो लोगों में डोल आउट किया था। इमरान खान ने 1 रुपया भी अपनी स्वाबदीदी फ़ंड से जो है वो नहीं लिया, ना ही कहीं खर्च किया। अब उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर भी वज़ीर आज़म पैकेज जो है वो ख़त्म कर दिया है, लिहाजा किसी भी शख्स को अब जो प्लॉट्स हैं वो वज़ीर आज़म नहीं दे सकेगा। गरीब घरानों की कफालत, मुआशरती फलाह बहबूद और तख़फीफ़े गुरबत के तमाम प्रोग्राम्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काबीना ने एहसास ऑर्डीनेंस 2021 की मंजूरी दी है। कल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म कौम से ख़ताब करेंगे और जो मुल्की मईशत से मुतलिक अहम फैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिया गया।